शिव छत्रपती महाराजांचा विजय। तो ये कहानी है किले रायगढ़ की, जिसमें छिपा है इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का। अरे रायगढ़ फोर्ट पहुंचने से पहले चलिए थोड़ा एडवेंचर हो जाए। फिलहाल हमारी बेस कैंप पे हम है, हमारी कैंप साइट पे। अभी हम जाने वाले हैं रैपलिंग करने के लिए वाटरफॉल पे। एक छोटा सा ट्रैक भी है वहाँ पे और कल हम चढ़ने वाले हैं रायगढ़ फोर्ट। तो चलो अभी चलते हैं रैपलिंग के लिए। तो जिन्हें नहीं पता है कि रैपलिंग होता क्या है, तो इसमें आपको वाटरफॉल के ऊपर ले जाके बांध दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई उतरने का बस यही रास्ता है। और अगर आप पहली बार रैपलिंग कर रहे हो तो घुटने संभाल के। किसी भी जगह का अनुभव तब तक खास नहीं बन सकता जब तक उसका इतिहास ना पता हो। रायगढ़ 1200 एकड़ किला है, 350 इमारत, 11 तालाब और 350 इमारत छोटमोटी रायगढ़ किले के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। इस रायगढ़ किले के ऊपर राजा ने 10 साल निकाले, 26 साल निकाले हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी राजगढ़ के ऊपर, बालपन गया शिवनेरी के ऊपर। महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में, शिवनेरी के ऊपर हुआ था। फिर 50 साल की उम्र महाराज की, 50 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद का घर निर्माण किया, 365 गढ़ किले जिताए और 32 मन की सिंहासन की गादी निर्माण की। रायगढ़ किले के ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, 350 स्ट्रक्चर है। हमको नीचे से लाने के लिए इतना 2.5 घंटा लगा, हाथ में पानी का बोतल भी नहीं ला सकते क्या? नहीं। अंदर की बात बताऊं आपको, रायगढ़ किले के ऊपर सोचने वाली बात है कि रायगढ़ के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर से बना ये दीवार है। अभी इतना बड़ा बड़ा पत्थर नीचे से ऊपर कैसे लाया उस टाइम? कोई जानकार बता सकते, कोई इतिहासकार ऐसे बता सकते, उस समय ऐसे बताते थे लोग कि नीचे से लेके ऊपर तक माथे के ऊपर लेके आए थे, नहीं सर के ऊपर पत्थर नहीं लेके आए। रायगढ़ किला इसे 11 तालाब को ये किया, इसको कट कर दिया पूरा और यहाँ का ही पत्थर यहाँ पे बांधकाम के लिए लगा दिया। पीने के लिए पानी हो गया और बांधकाम के लिए पत्थर हो गया। अभी इंजीनियर क्या इस्तेमाल करते हैं? सीमेंट और रेती, उस जमाने में गुड़, सीसा और चूना, इसको ये तीनों मिश्रण करके इसके अंदर भर दिया है, गर्म करके डाला, इसके लिए चिपक गया जगह। देखिए ये तालाब, इसको बोला जाता है हत्ती तालाब, एलिफेंट तालाब बोलते थे उसको। मतलब रायगढ़ किले के ऊपर एलिफेंट भी थे। तारीख थी 6 जून 1674, राजा का राज्याभिषेक रायगढ़ किले के ऊपर हुआ था। उस जमाने में एक रायगढ़ किले के ऊपर एक इंग्रज आया था, ये ब्रिटिश नीचे से लेके ऊपर तक रायगढ़ किले के ऊपर आया था। वो रायगढ़ नीचे से लेके ऊपर आया, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के सामने गया, तो
तो उसको चार पैर के बड़े बड़े एलिफेंट दिखने लगे। उसको मन में ख्याल आया कि रायगढ़ के ऊपर ये पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा एलिफेंट कहाँ से लेके आए। महाराज के दरबार में गया, व्हाइट टोपी निकाली, महाराज को मुजरा किया और वहाँ के जो सरदार लोग थे उनको पूछने लगा कि रायगढ़ के ऊपर इतना बड़ा एलिफेंट लाया कहाँ, मेरे को आने की ऊपर आने की मेरे को इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए तकलीफ हो गई, रायगढ़ के ऊपर इतना बड़ा एलिफेंट कहाँ से ले जाए। तो वहाँ के जो सरदार थे वो उनसे भी ज़्यादा होशियार थे, वो क्या बोले, आप तो इंग्लिश बोलते हो, हम मराठी बोलते हैं, आपको हमारी से ज़्यादा जानकारी है, तो उसका जो उसकी जानकारी है वो आप हमें दे दो, हम लोग की जानकारी कैसे लेके हम लोग को पता नहीं। वो इंग्लिश बोलने वालों को क्या पता राजा की उस जमाने की दुरुस्ती कैसी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा भी छोटा नहीं हो सकता। जब हाथी की छोटी छोटी पीले बच्चा वो पालकी के अंदर डाला और वो बच्चा हाथी के ऊपर लेके आए और रायगढ़ के ऊपर उसको बड़ा कर दिया। ये हाथी की जो अगर बड़ा करने के लिए 3 साल में हाथी बड़ा हो जाता है लेकिन रायगढ़ बांधने के लिए 14 साल लग गए। जितना बड़ा कर दिया और राजा के राज्याभिषेक के सामने ये जो आने वाले सरदार लोग थे उनके दर्शन के लिए वहाँ पे खड़े कर दिए थे। सिर्फ हाथी ना पानी पीने के लिए ये जगह इस्तेमाल करते। लेकिन जितने भी महाराज के गढ़ किले हैं ना ऐसे ही आपको दिखने के लिए मिलेंगे, ऊपर कुछ दिखने के लिए मिलेगा। अब अगर राजस्थान कभी जाओगे तो वहाँ के गढ़ किले देखोगे, वहाँ प्रताप में जो चित्तौड़गढ़ है उसको छोड़ के बाकी वैसे की वैसे गढ़ किले, क्योंकि वहाँ के राजपूत शरण गए थे, मराठा किसी के सामने शरण नहीं गया था। इसके लिए मराठे का शेर एक वो मैं आपको मराठी में बताता हूँ, क्या रात्रीचा अंधाला घाबरत नाही, क्या रात्रीचा अंधाला घाबरत नाही, क्या उजराची साथ आहे मोडेल वाकणार नाही, जो उसको शरण गया उसके गढ़ किले वैसे ही रह गए और जिन्होंने आखिर तक लड़ाई की उसके मात्र ऐसा। सामने और दीवार दिख रही है आप, ये दीवार के अंदर 6 महल है, कितने 6 महल है। इसको कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का रानियों का महल का भाग, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो रानी थी उनका रहने की जगह। छत्रपति शिवाजी महाराज को रानियां थी 8। मन में ख्याल होगा आया होगा कि अभी के इसमें एक रानी संभालने के लिए मुश्किल हो जाती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 का शासन करने का क्या ये राजकीय हेतु था। महाराज ने हंसी खुशी के लिए नहीं की थी 8 रानियां, तो महाराज ने 8 रानियां के लिए की थी स्वराज्य बड़ा होने के लिए। आदमी लोग बहुत कम थे, सरदार लोग बहुत कम थे, इसके लिए बड़े बड़े सरदारों की रानी की, नामवंत सरदारों की रानी की, जिस सरदार की रानी की वो जो गांव था वो आपके विरोध नहीं जा सकता है क्योंकि हम लोग उसकी जमा ही हो गए। इसके लिए बड़े बड़े सरदारों की रानी की थी उसका गांव हमारे स्वराज्य के अंदर निर्माण किया। पहले रानी का हॉल देखने के लिए मिला, बैक साइड बेड सोने की जगह रानी की, आराम करने की जगह, साइड में खिड़की सेपरेट जो विंडो बोलते हैं हम लोग उसको, तो ठंडा हवा खाने के लिए विंडो है, और साइड में बाजू में एक 400 साल का पुराना वॉशरूम। ऐसा अभी जो इतिहासकार है वैसे बताते हैं रायगढ़ के ऊपर जो ऊपर का जो वॉशरूम का शोध लगाया, जो इसकी जानकारी निकाली वो अंग्रेजों ने निकाली, अंग्रेजों ने नहीं, स्वराज्य के हिंदवी स्वराज्य के रायगढ़ के ऊपर फर्स्ट टाइम उसका वॉशरूम आपको देखने के लिए मिलेगा। इंग्रज ये चोर थे, चोरियाँ करने लगे, रायगढ़ के ऊपर इसका स्ट्रक्चर का फोटो निकाला, अंग्रेजों ने अपने देश में लेके गए, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया और फिर भारत में तैयार करके भेज दिया। इसके लिए फर्स्ट टाइम रायगढ़ के ऊपर जो वॉशरूम का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिला। अभी आए हैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तारीख थी 6 जून 1674 का, राजे का 32 मन का सिंहासन था, 1 मन मतलब 40 किलो 1280 किलो का सिंहासन था राजे का। सिंहासन के बाजू में राष्ट्रमाता जिजाऊ यहाँ पे बैठी हुई थी, बाएं साइड में छत्रपति संभाजी राजे राजाराम राजे राजे के रानी यहाँ पे बैठी थी, और यहाँ पे एक घोषणा दी गई, वो घोषणा ऐसी थी कि महाराज गौर प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावथांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज जिजाऊंचा सुपुत्र भोसले कुलदीप श्रीमंत योगी श्री श्री श्री
छत्रपति महाराज। गेटवे ऑफ इंडिया आपने देखा होगा मुंबई का, तो उसका फोटो निकाल के अंग्रेजों ने मुंबई के वहाँ बिठा दिया। ये नहीं होता तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया आपको दिखने के लिए नहीं होता। अभी हम आगे जाएंगे जहाँ पे होली का ग्राउंड, जिस जमाने में होली खेलते थे वहाँ पे हमको जानकारी मिली। रायगढ़ हीरो जिंदलकर ने बांध के दिया था, 14 साल में रायगढ़ बना दिया था। जब महाराज ने पूछा, जब रायगढ़ ये बनाने के लिए हीरोज ने रायगढ़ पूरा बनाने के लिए अपना खुद का घर खुद का जो भी था वो सब बेच दिया और रायगढ़ 14 साल में बना के पूरा कर दिया। तो महाराज ने पूछा, हीरोज तुझे रायगढ़ ये बनाया है तो आपको क्या बख्शीस पत्र चाहिए, आपको जो भी है वो मांग लो, आपके मुँह से मांग लो कि ये चाहिए, हाथी घोड़े खजीने सोना नाना 10 गांव की वतनदारी, नहीं राजा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जिस जिस जगह पे आप मंदिर के ऊपर जाते हो, जगदीश्वर के पास में जाते हो, जब दर्शन के लिए आप अंदर घुसोगे ना, तब आपका जो पहला वाला पैर है उसकी पैर की मिट्टी मेरे माथे के अंदर रहनी चाहिए। इसके लिए वो सामने वाला मंदिर दिखेगा आपको, वो मंदिर के पहले वाले सीढ़ी के ऊपर उनका नाम लिखा है, सेवे के थाई तत्पर हीरो। इंग्रज ने क्या बताया, ये मराठों के पास इतनी ताकत आती कहाँ से? तो जितने भी महाराज के किले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हैं, इसके हिसाब से उनके ऊपर वो स्ट्रक्चर ये मैनिफाई करते हो सब लोग, कि उसके हिसाब से उनको इतनी शक्ति आती है, उसको इतना प्रेरणा आती है, तो उनके राइट जो किले वही नष्ट करने लगे। तो राजधानी अपनी हिंदवी स्वराज्य की राजधानी बते जाती है उसको। बैक साइड के एक पहाड़ है, उसका नाम है पोटले का डोंगर। ये पोटले के डोंगर से वो पहाड़ से अंग्रेजों ने लाख तोपे का उसके ऊपर चढ़ा दी उसके ऊपर, और वहाँ से हिंदवी स्वराज्य का जो दारू पठार था, जो वहाँ पे गोरे हुए रहते थे राजे के दक्षिण साइड में रहते थे, उसके ऊपर अटैक किया, तोपे का उसके ऊपर अटैक किया, 131 बड़ी मार तोफा करके रायगढ़ किले का पीछे का जो दारू पठार था वो नष्ट किया, और वो गोले अंदर तक घुस गए, अंदर पैठनी कापड़े थे, इसके लिए एक एक आग लग गई और रायगढ़ 11 या 12 दिन पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर जल रहा था, ऊपर का स्ट्रक्चर जल गया। अभी हम सिर्फ दिखेंगे दीवार, बाकी कुछ दिखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन दीवार के अंदर भी महाराज का इतिहास छुपा रहा है। वो दीवार ने देखा है उसके ऊपर क्या छत था, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनको पता है। भारत में ऐसी कई जगह है जिससे हम अनजान है या तो हमें कभी बताया नहीं गया। हमारा मानना है कि ये इतिहास हर एक भारतीय तक पहुंचना चाहिए। क्या आप भी ये चाहते हैं?